एवं हमारे सुप्रीम के हमारे लीगल एडवाइजर चंद्रा जी एवं हमारे एक बार सभी लोग एकत्रित होकर के बैठ जाएं जो कार्यक्रम है वो होते रहे और हो रहा है। तो बाबा साहब ने जब इतना आज हम खड़े हुए हैं नुन्याई के पास जहाँ पर बाबा साहब को पुस्तक पढ़ दिए गए हैं और जानते हैं हमारे जस साहब खड़े हुए हैं। जस साहब, जो 14 अप्रैल को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 14 अप्रैल का दिन वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता का दिवस है। इस दिन जो हमारे बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, उन्होंने संविधान में भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की थी, उसी का वो है कि आज हम सब लोग उनके इस दिवस को स्वतंत्रता और समानता के दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं, आगे भी चलेंगे। बाबा साहब ने शोषित पीड़ित समाज के लिए, नारियों के लिए जितना काम किया वो शायद ही विश्व में किसी ने किया होगा, और हम लोग आज उसी को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर हम सारे देशवासियों को, विश्व के सभी लोगों को जो है बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब के कौन सी जयंती मनाई जा रही है और इसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मानते हैं, आज इसके बारे में आप सब रोशनी डाल। आज बाबा साहब के जन्मदिन की 130वीं जयंती है। हर वर्ष भारत के अंदर और भारत के बाहर बड़े धूमधाम से, खासकर आगरा में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भीम नगरी जैसे लगती है, बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारे यहाँ संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी भी बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाती है। इस बार भी हमने बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और भीम अनुयायियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व थाना अध्यक्ष एतमादौला भी रहा हूँ और रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ वर्तमान में, और संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये जो फाउंडेशन नारायण चागराम है, ये हमारी कमेटी एवं साथियों के सहयोग से बाबा साहब की स्टैचू यहाँ स्थापित की गई। बड़ा ही भव्य स्टैचू है और पार्क का सौंदर्यीकरण भी हम ही सब साथियों ने किया है, इसमें अपना तन मन धन से योगदान किया है। आज बाबा साहब के जन्मदिन 130वीं जयंती पर हम सभी लोग यहाँ पर धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, और इस जन्मदिन के मौके पर आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज हम जो है बाबा साहब की 130वीं जयंती कबीर आश्रम पर जो मना रहे हैं, इस आश्रम पर हमारे बीच में हमारे क्षेत्र में 2004 में भीम नगरी का आयोजन हुआ, तब से इस क्षेत्र में लोगों को जागृत किया बड़े पैमाने पर, और आज हम बाबा साहब के इस पावन पर्व पर हम इस क्षेत्र में जो दबे पिछले लोग हैं, जिनको सदियों से अपमान झेलना पड़ा, तो उनके लिए बाबा साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं, उनको जागृत करते हैं, और समय समय पर उनके द्वारा बताए हुए जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करिए, इसको हम जगह जगह जाकर के बाबा साहब के मंत्र के माध्यम से समाज को तैयार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और आपकी जो हमारा जो चैनल है, चैनल के माध्यम से आज हम देख रहे हैं हमारे देश में लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान से हमारा भारत चलता है, सरकार चलती है, मगर वही लोग संविधान की प्रतिया जला रहे हैं, बड़े विडम्बना की बात है। तो ऐसे लोगों को हमें देखना है। लेकिन आज सर, आप पूरे देश में और हर पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आज देख सकते हैं, हम समाचारों में भी देख रहे हैं, आज सब लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, मगर उनके दिल में नहीं है जयंती। बाबा की जयंती दिखाने के लिए वो मना रहे हैं, मगर दिल से नहीं मानते। दिल से मानते आज जो बताइए, हमारा उनसे झगड़ा क्या है? हमको वो ऐसा क्यों समझ जानते हैं, हम ऐसा क्यों समझते हैं? हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, मगर हम जाकर मूल निवासी हैं, तो हम मूल निवासी हैं तो हमारा भी अधिकार है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें उसके उनके बाबा साहब के अधिकार के माध्यम से आज हम अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं,
और हम लोगों को आह्वान करेंगे आप भी बाबा साहब के मानिए और बाबा साहब की कारवाई को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों का आप मैं चौधरी बच्चे सिंह कोषाध्यक्ष यहाँ का संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्व इंस्पेक्टर हैं और हमारे शिशुपाल जी हैं। आज जो हमारा जो 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम मना रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आज हम संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उनके उस संकल्प को दोहराते हुए मैं पूरे देशवासियों को और अपने आगरा वासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।